हेलो नमस्कार दोस्तों, साइंस एंड टेक के करंट अफेयर रिवीजन में ये हमारा चौथा लेक्चर है। यहाँ पे हम साइंस एंड टेक का जो प्रीलिम्स 2018 है उसके नज़र से करंट अफेयर है उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोबोट्स के बारे में। कोबोट्स क्या होते हैं? देखो, कोबोट्स हैं वो एक तरीके के रोबोट ही होते हैं। रोबोट और कोबोट्स में डिफरेंस बस बेसिक यही होता है कि रोबोट होते हैं वो फुली ऑटोमेटिक होते हैं। कि भाई रोबोट को एक बार आप प्रोग्रामिंग कर दी और आपने कह दिया कि आपको ये काम करना है तो रोबोट कंटिन्यूस बस वो काम हो करते रहेंगे। बट कोबोट्स क्या होते हैं? कोबोट्स जो होते हैं कि भाई ये एक तरीके से सेमी रोबोट्स होते हैं, मतलब ये रोबोट की तरह ही काम करते हैं बट पूरा काम रोबोट तो क्या होते हैं, फुली ऑटोमेटिक होते हैं। ये फुली ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, ये एक तरीके से ह्यूमन के साथ कंधा से कंधे मिला के वो चलते हैं, मतलब एक आदमी के साथ मिलकर ये काम करते हैं। जैसे कि आप ये देखते हो कि कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे कोई मान लो कि आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री है और उस पर यहाँ पे आइसक्रीम बनाई जा रही है, तो लास्ट में जहाँ पे आइसक्रीम को कलेक्ट किया जा रहा है वहाँ पे कोबोट्स क्या करेंगे, इंसान के साथ मिलकर बस ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये चीज़, ये आइसक्रीम है वो सही नहीं है, इसका जो मापदंड है वो परफेक्ट नहीं है, तो उसको आप हटा दीजिए। तो इस तरीके का जो बेसिक काम हो किए जाएंगे कोबोट के द्वारा, मतलब आप ये समझ सकते हो कि रोबोट को एक टाइप है जो कि एक लिमिटेड एरिया में ही काम है वो करते हैं, बस ये इसमें एक डिफरेंस है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है बायोमार्कर के बारे में। देखो, बायोमार्कर एक वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में एक बॉडी के कुछ स्पेसिफिक एंजाइम या कुछ पार्ट्स होते हैं जो एक तरीके से एक मार्कर की तरह काम करते हैं। जैसे कि हम हाइलाइटर या मार्कर का यूज़ करें, जैसे अभी एक पेन है इसको हम यूज़ क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे हाईलाइट करने के लिए या कुछ इंडिकेट करने के लिए इसका यूज़ करें, उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी कुछ बायोमार्कर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना उसको देखते हैं। जैसे कोई भी डिजीज़ वगैरह होती है तो उसके बारे में इंडिकेशन वगैरह वो देते हैं। तो एक वर्ड था तो हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया। इसी के साथ ही यहाँ पे एक आर्टिकल हो रहा है वो है अल्जाइमर डिजीज के बारे में। तो अल्जाइमर जो डिजीज है वो एक्चुअली मेमोरी लॉस की एक डिजीज है जिसमें परमानेंट मेमोरी लॉस वो होना शुरू हो जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि हमारी जो ब्रेन होता है ना, जैसे कि हमारी बॉडी का ब्रेन है, इस ब्रेन में एक्चुअली क्या है कि छोटे छोटे जो प्रोटीन ना उसकी गांठ से बनना शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे अगर ये गांठी ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा माइंड है उसको एक तरह कहना कि दबाना शुरू कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि माइंड है वो प्रॉपर ढंग से मेमोरी वो काम नहीं कर पाती है और मेमोरी इफेक्ट होना शुरू है वो हो जाती है। तो एक तरीके से अल्जाइमर डिजीज़ को भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि किससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे है अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। अग्नि 5 जो मिसाइल है वो एक तरीके से इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में से अटैक वो कर सकते हैं, मतलब एशिया से यूरोप पे अटैक कर सकते हैं, एशिया से देखा जाए तो मतलब दूसरे जैसे एशिया से अफ्रीका में अटैक कर सकते हैं, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अटैक किया जा रहा है उसको बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंट मिसाइल। और इससे इंडिया का एक प्रोग्राम था जिसका नाम है IGMDP। इंडिया का एक प्रोग्राम था, 1985 में स्टार्ट किया गया था। इस प्रोग्राम में यह था कि इंडिया स्वदेशी रूप से अपनी जो मिसाइल्स वगैरह हैं, स्वदेशी मिसाइल है उनको प्रमोट करेगा। यह एक तरीके से इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसका मेन प्रावधान यह था कि भाई इंडिया खुद मिसाइल बनाएगा, ऐसा नहीं कि इंडिया बाहर की कंट्री से मिसाइल वगैरह खरीदता रहे जिंदगी भर। तो उसके लिए इस प्रोग्राम के तहत अग्नि 5 मिसाइल का निर्माण है वो किया गया था। ध्यान ये रखना है कि इसकी रेंज है वो एक तरीके से इंटर कॉन्टिनेंटल, तो ऑब्वियसली रेंज है वो अब काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसकी जो रेंज है वो है 5500 से 5800 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। 3 स्टेज का इसमें फ्यूल है वो यूज़ होता है, सॉलिड स्टेट और सॉलिड लिक्विड और सॉलिड वाला, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और सरफेस टू सरफेस है या मार है वो कर दिया। तो ये कुछ इसके बारे में बेसिक चीज़ें जो UPSC हमें पूछ सकती है, क्योंकि अभी इसका रिसेंटली एक तरीके से इसकी वो आप बोल सकते हो कि एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उसको लेके न्यूज़ है वो आई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आकाश मिसाइल के बारे में। तो देखते हैं आकाश मिसाइल के बारे में। आकाश मिसाइल है ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, बस ये ध्यान रखना। लास्ट वाली चीज़ जो थी हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पे पृथ्वी मिसाइल वो थी सरफेस टू सरफेस, और ये क्या है यहाँ पे आकाश है वो है सरफेस टू एयर। रेंज क्या है इसकी, इसकी रेंज है मीडियम रेंज, कितनी, लगभग 30 किलोमीटर तक इसकी रेंज है वो होती है। स्वदेशी सिस्टम है, बस ये हमें ध्यान रखना है। UPSC बेसिक इन्हीं के बारे में चीज़ें क्वेश्चन से वो पूछ लेती है कई बार। नेक्स्ट है वो है केपलर 90 सोलर सिस्टम के बारे में। जो केपलर 90 सोलर सिस्टम है वो नासा के द्वारा एक्चुअली खोजा गया है, और किसकी हेल्प से, नासा का एक टेलीस्कोप था जिसका नाम है केपलर स्पेस टेलीस्कोप, मतलब केपलर को खोजने के लिए इसने प्रॉपर केपलर स्पेस टेलीस्कोप वो बनाया था और उसकी हेल्प से केपलर 90 सोलर सिस्टम को खोजा गया। जिस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है अर्थ का सोलर सिस्टम है, उसी तरीके से नया सोलर सिस्टम है वो खोजा गया जिसका नाम है केपलर 90। बस ये ध्यान रख लेना किसके द्वारा खोजा गया, नासा के द्वारा। इसी तरीके से एक और सोलर सिस्टम है जिसका नाम है ट्रेपिस्ट 1। तो ट्रेपिस्ट 1 है, ये भी एक सोलर सिस्टम है जो कि अर्थ से काफ़ी दूर है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखने की ट्रेपिस्ट 1 है वो भी एक सोलर सिस्टम है, वो केपलर 90 है वो भी एक सोलर सिस्टम है, नासा के द्वारा इनको खोजा है वो क्या है। UPSC बस इतना इसके बारे में
पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेत्रा के बारे में। नेत्रा है वो इंडिया का पहला स्वदेशी AEW&C सिस्टम है। क्या है AEW&C? इसका मतलब है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। मतलब अगर इंडिया पे कहीं से भी कोई अटैक वगैरह हो रहा है तो इसके बारे में पहली अर्ली वार्निंग है, अलर्ट है, वो कर देगा। उस सिस्टम का नाम है स्वदेशी, उसका नाम है सॉरी नेत्रा। तो नेत्रा क्या है, नेत्र का मतलब होता है आँख, तो उसी तरीके से इसका नाम रखा गया है कि मतलब एक तरह से आँख की तरह काम करेगा कि कहीं भी कोई भी अगर अटैक वगैरह कर रहा है तो उसको एक तरीके से डिटेक्ट वगैरह कर सके, और DRDO ने इसे बनाया गया। तो यह है क्या नेत्रा, बस ये आप ध्यान रख लेना, एक तरीके से ऑटोनोमस रूप से काम करेगा और सर्विलेंस निगरानी वगैरह के लिए इसका फोकस है वो रहेगा। कहीं से कोई भी अटैक वगैरह हो रहा है तो उसके बारे में पहले डिटेक्ट कर लेगा और उसके लिए फिर उस तरीके से एक्शन वगैरह वो ली जाएंगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है यहाँ पे इकोवेरियन एक्सरसाइज के बारे में। EKUVERN इक्विवेरियन एक्सरसाइज, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आप इसको नाम वगैरह एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इक्विवेरियन जो एक्सरसाइज 2017 है वो इंडिया और मालदीव के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, बस ये ध्यान रखना, और इंपॉर्टेंट बहुत हो जाती है क्योंकि आपको पता है इंडिया और मालदीव के बीच में एक्सरसाइज है वो आप इस बार काफ़ी सुर्खियों में रही है। अभी मालदीव में इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे इंडिया की एक्सरसाइज थी मिलन एक्सरसाइज, तो उसमें मालदीव ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, तो इसलिए ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो भी एक्सरसाइज वगैरह होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो आई है नसीम अल बहार एक्सरसाइज। तो नसीम अल बहार एक्सरसाइज है वो एक नेवल एक्सरसाइज है, किसके साथ, ओमान के साथ, मतलब ओमान प्लस इंडिया की नेवल एक्सरसाइज का क्या नाम है, नसीम अल बहार एक्सरसाइज। 1993 से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट वो किया गया था। और एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि जो अरब कंट्रीज है ना उसमें ओमान एक पहली ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो की थी 1953 में। ये ध्यान रखना कि पहले अरब कंट्री है ओमान जिसने, जिसके साथ इंडिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी 1953 में साइन है वो की गई थी। इसके अलावा अभी तक किसी के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो साइन नहीं की है। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो आर्टिकल है वो है हमेशा विजयी एक्सरसाइज। हमेशा विजयी एक्सरसाइज है वो इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है ताकि इंडियन आर्मी को स्ट्रेंथ किया जा सके, देखा जा सके कि भाई खुद में कहाँ कमियाँ वगैरह, तो अपनी खुद की एक्सरसाइज है जो कि इस बार राजस्थान में होस्ट है या आयोजित है वो की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फ्लाइंग ऑब्जर्वेटरी के बारे में। तो फ्लाइंग ऑब्जर्वेटरी है उसका नाम है सोफिया जो कि नासा के द्वारा बनाई गई है, बस ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे सोफिया UPSC पूछ सकती है क्या है, तो सोफिया वो है फ्लाइंग ऑब्जर्वेटरी है जो कि नासा के द्वारा बनाई गई है। सोफिया का फुल फॉर्म वो ये है स्ट्रेटोफेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, बस ये यहाँ पे नाम है, आप देखना कि सोफिया नाम आती समझ जाना कि नासा की फ्लाइंग ऑब्जर्वेटरी होगा क्या इसमें। ये जो ऑब्जर्वेटरी है जो वेधशाला है ये एक्चुअली फ्लाइट है उसके अंदर रखी जाएगी, मतलब फ्लाइट के अंदर मुंह उतरेगी, जैसे फ्लाइट जाएगी ऊपर उसी तरीके से काम करेगी, तो हवा में तैरने वाली जो एक तरह से ऑब्जर्वेटरी है वो बनेगी। ये काम क्या होगा, काम ऑब्वियसली वो ये स्टडी करना है सैटर्न वगैरह मून की, सैटर्न का मून क्या है टाइटन जो मून है उसकी स्टडी करेगा, इसके साथ ही मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की स्टडी करना हो, जो कमेट क्षुद्र ग्रह वगैरह हो उनकी स्टडी वगैरह काम करेगी। अब देखो यहाँ पे स्टेटोस्फेयर का मतलब क्या होता है, स्टेटोस्फेयर हमने जैसे इन्वायरमेंट की हमारे जो एटमोसफियर है इसकी फेज हमने पढ़ी है, तो स्टेटोस्फेयर में क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट होता है वो कंट्रोल रहता है, मतलब वहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता है, तो उस वाले एरिया में हवा क्या है स्थिर सी रहती है, तो वहाँ पे ज़्यादा छोड़ी जाती हैं जो भी मेनली इस तरह के स्पेस क्राफ्ट वगैरह होते हैं ताकि वहाँ पे हवा का डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो चीज़ें आराम से एक जगह पे स्थिर हैं वो रह सकें। तो ये कुछ देख लिया हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ें। सोफिया क्या है, सोफिया एक फ्लाइंग ऑब्जर्वेटरी है नासा के द्वारा जो कि स्टडी वगैरह करेगी कमेट्स वगैरह की। इसके बाद में अगला जो आर्टिकल है वो है CERT NIC। CERT का मतलब होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो यह है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत यह आती है। काम क्या है इसका, इसका काम यह है कि इंडिया में कोई भी साइबर अटैक होता है उससे ये डील करती है निपटने के लिए, या होने वाला हो तो उससे, या तो हो गया हो तो डील करेगी, होने वाला है तो उससे ऐसे भी डील जिस तरीके से डील की जाएगी वो सारे काम किए जाएंगे CERT के द्वारा। मिनिस्ट्री हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। NIC के है, NIC का मतलब है नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर। यह एक तरीके का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे देश में, मतलब गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट सर्वर वगैरह होती हैं वो NIC या नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर है उसके द्वारा ही कंट्रोल वगैरह की जाती हैं, या वही इन्हें रेगुलेट वगैरह करता है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट का डाटा सेंटर हुआ या फिर कोई भी गवर्नमेंट की मेल आईडी वगैरह सारे काम है वो NIC ही रेगुलेट वगैरह करती है। ये चीज़ यहाँ पे बेसिक चीज़ें हमारे लिए वर्ड है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होता है उनमें आता है कि जैसे कि CBSE.NIC.in, तो NIC क्या है, NIC इन चीज़ों को रेगुलेट करती है, तो उन्होंने अपना डोमेन है वो रख रखा है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि NIC एक गवर्नमेंट का पार्ट सिस्टम हो गया कि जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब प्रोवाइड है वो करवाता है इंटरनेट वगैरह से संबंधित। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ITCO OCEAN के बारे में।
इटो को ओशियन आप इसे बोल सकते हो, इट को ओशियन के नाम से भी आप इसे जान सकते हो। है क्या इट को ओशियन? यह एक तरह का कैटेगरी टू सर्विस थ्रू यूनेस्को, मतलब कैटेगरी टू सेंटर है जो कि यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब है कैसे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। यह एक तरीके का इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन है, ऐसे यूनेस्को ने बनाया है। बस ये ध्यान रखना कि यूनेस्को के द्वारा इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन है, उसका निर्माण किया गया है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ओशियनोग्राफी की कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए, ओशंस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस करने के लिए इंडिया में इस सेंटर का स्थापना है वो की जा रही है, और इंडियन ओशियन में इंडिया को इसे लीड भी मिलेगी। इंडिया में जो भी ओशंस में इंडिया की बार काफ़ी एरिया में पीछे रह जाता है, तो उन कमियों को दूर कर पाएगा इंडिया। इसके साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो बढ़ेगी, और मेन बात क्या है, कोस्टल एरिया में सिक्योरिटी है वो भी बढ़ेगी, और कोस्टल एरिया में जो कुछ कमियाँ हैं उन सबको दूर करने में हमें स्ट्रेंथ ताकत है वो मिलेगी। इसी के साथ बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 14 टारगेट की। देखो एसटीजी के तो आपको पता है टोटल 17 गोल हैं, जिसमें से हमें 2030 तक उनको अचीव करना है। तो जो एसटीजी गोल जो 14वां गोल है उसमें ये प्रावधान किया गया कि हमें भाई ओशियनोग्राफी है उसकी स्टडी वगैरह कैसे करनी है, किस तरीके से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आना है ओशियंस के मामले में, कि ऐसा नहीं हो हम रिसोर्सेज को अंधाधुंध यूज करें और ओशियन के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएं। तो उन सब के बारे में यहाँ पे बात है वो की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है इनकोरिस के बारे में, INCOIS क्या है? INCOIS इंडियन नेशनल सेंटर फॉर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, यह एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। काम इसका यह है कि ओशियन से रिलेटेड जो भी पॉलिसी वगैरह है इंडिया में, जो भी डाटा वगैरह या जो भी वेदरकास्ट या फोरकास्टिंग वगैरह की जाती है सुनामी वगैरह की, वो सारे काम INCOIS के द्वारा किए जाते हैं। बस ये ध्यान रखना एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। वेदरकास्टिंग फोरकास्टिंग वगैरह से संबंधित इसके काम होते हैं, ओशियन से रिलेटेड पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है। इसके साथ जो अगला आर्टिकल यहाँ पे आता है वो आता है फ्री स्पेस ऑप्टिकल कमीशन के बारे में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में, FSOC। तो FSOC है वो एक्चुअली एक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की। देखो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में कांच की पतली से नली होती है, उसमें जैसे ये कोई कांच की नली है, इसमें क्या होता है हम जो ही जो रेज है लाइट जो भी लेजर लाइट वगैरह उसको हम यहाँ पे एक तरह से ट्रांसमिट करते हैं, तो वो यहाँ से टकराती है, उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रोसेस से आगे धीरे धीरे मूव करता रहता है। तो उसी तरीके से जो फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, इसमें बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो मीडियम था वो कांच का, मतलब ऑप्टिकल फाइबर में जो मीडियम था वो कांच का यूज कर रहे थे, जबकि फ्री स्पेस में क्या होगा, इसमें कोई मीडियम यूज नहीं किया जाएगा, मतलब निर्वात होगा, वैक्यूम की कंडीशन होगी। जैसे यहाँ पे हम डाटा ट्रांसमिट किया, ये सारा वैक्यूम होगा इस वाले एरिया में, फिर यहाँ पे एक रिसीवर होगा तो उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा, इसके बाद में उसको वापस इनकोडिंग की जाएगी और फिर वो यहाँ पे जो भी कस्टमर वगैरह जो उसके पास डाटा वो पहुँच जाएगा। मतलब इसमें हम जो वैक्यूम है या निर्वात है उसका हम यूज करेंगे, और इसमें हम केवल यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें हम कांच की चीज़ें हैं या उसका यूज हम यहाँ पे करते हैं। तो एक तरीके से डाटा ट्रांसमिशन है उसकी एक नई टेक्निक है यह फ्री स्पेस। वैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसमें यह हो जाता है कि भाई वैक्यूम में इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी। वैक्यूम का मतलब क्या है कि वहाँ पे फ्री एयर होगी, कोई भी एयर वगैरह वहाँ पे नहीं होगी, और गूगल की हेल्प से इस प्रोजेक्ट को अंजाम हो दिया जा रहा है। इंडिया में इसके बारे में स्टडी वगैरह वो की जा रही है, तो ये इसके बारे में थोड़ा कंटेक्स्ट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन के बारे में। देखो ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन का मतलब ये होता है कि इंडिया में देखो काफ़ी लोग स्टडी वगैरह करते हैं, डॉक्टर वगैरह से काफ़ी इंजीनियर वगैरह बन जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं इंडिया में उनको पर्याप्त जॉब वगैरह नहीं मिल पाती है, जो जितने उनका टैलेंट है उनके अकॉर्डिंग उनको एक जो पावर का मतलब यहाँ पे कि उनको जितनी डिमांड होती है उनकी या जितनी उनकी क्वालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे काम नहीं मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं दूसरी कंट्री में मूव हो जाते हैं। मतलब इंडिया का जो ब्रेन है वो खाली होती है, दूसरी कंट्री की तरफ ट्रांसफर होता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। अब ये समस्या इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रही थी कि भाई इंडिया में लोग स्टडी तो कर रहे थे पर धीरे धीरे उनको क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट दूसरी कंट्री में जाके दिखा रहे थे, क्योंकि इंडिया में उनको मौका वगैरह नहीं दिया जा रहा था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम वगैरह चलाए हैं कि भाई जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना इंडिया का, उसको ब्रेन गेन किया जाए, मतलब वापस उनको इंडिया में बुलाया जाए कि भाई आप इंडिया में आके करो, उनको थोड़ा माहौल वगैरह दिया जाए, उनको पैसे वगैरह दिए जाए। तो इसलिए ब्रेन गेन की तरफ गवर्नमेंट मूव कर रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने दो प्रोग्राम चलाए हैं, एक तो है रामानुजन फेलोशिप स्कीम। इसमें क्या होगा कि जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी उनको पैसा वगैरह दिया जाएगा साइंटिस्ट वगैरह को। इसके साथ ही एक इंस्पायर स्कीम है वो लाई गई है, इसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि भाई गवर्नमेंट है वो जो यूथ है उसको पैसा वगैरह देगी नए साइंटिस्ट वगैरह को, ताकि वो इंडिया में आके रिसर्च वगैरह कर सकें। इसके बाद में नई IPR पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, ताकि जिन कई लोग कई बार आरोप लगाते हैं साइंटिस्ट कि भाई इंडिया में उनको प्रॉपर ढंग से जो IPR पॉलिसी है उनके राइट नहीं मिलते हैं, तो उनको IPR के राइट्स वगैरह मिल सके, मतलब वो कॉपीराइट वगैरह के जो पेटेंट वगैरह होते हैं वो, तो वो भी उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आता है वो आता है नेशनल प्रोग्राम ऑन यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर NPSTA के बारे में। तो देखते हैं NPST है क्या। देखो इसका ये प्रावधान है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ना उसका यूज ऐसा नहीं हो कि केवल और केवल हमें एक कुछ लिमिटेड एरिया में यूज करें। स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज है हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज है वो कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेस टेक्नोलॉजी के यूज को बढ़ाने के लिए NPST प्रोग्राम है उसको लेके आ गया है। इसमें क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट है वो प्रोजेक्ट सफल है, प्रोजेक्ट फसल है वो चला रही है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट नदमास NADAMS चला रही है, इसके साथ ही प्रोजेक्ट चमन चला रही है, प्रोजेक्ट किसान है वो चला रही है। तो प्रोजेक्ट फसल है उसमें क्या होगा कि क्रॉप की जो फोरकास्टिंग वगैरह वो की जाएगी कि भाई इस बार आप ये फसल वगैरह बोइएगा। इसके बाद में जो प्रोजेक्ट NADAMS है, प्रोजेक्ट NADAMS है, इसमें सूखे का मूल्यांकन किया जाएगा कि भाई इस बार ड्रॉप वगैरह कैसा पड़ रहा है उसके बारे में फोकस किया जाएगा। इसके बाद में प्रोजेक्ट चमन है उसमें हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए लाया गया है। तो यूपीएससी इस पे पूछ सकती है कि प्रोजेक्ट चमन किस रिलेटेड है, तो भाई हॉर्टिकल्चर मतलब जो फल फ्रूट्स वगैरह इनको प्रमोट करने के लिए इनकी खेती वगैरह की जाए इसके लिए है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट किसान है वो क्रॉप इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए लाई गई है। तो इन सब के मामले में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज वो कर सकते हैं, जैसे कि ड्रोन वगैरह की हेल्प से हम ये देखेंगे भाई कहाँ सूखा पड़ रहा है, कहाँ कैसे हालात हैं, उन सबको हम मॉनिटर वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में। तो इंडियन साइंस कांग्रेस है इसका जो अधिवेशन है वो इस बार होना था एक्चुअली हैदराबाद में, बट आयोजित नहीं हो उसका कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो वो पोस्टपोन हो गया था। इसके बाद इंडियन साइंस कांग्रेस का जो अधिवेशन था, जो मीटिंग थी वो मणिपुर में आयोजित है वो की गई थी, ये कंटेक्स्ट था। तो इंडियन साइंस कांग्रेस है वो कौन होस्ट करता है, वो होस्ट करता है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। और इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है उसको 105 साल कंप्लीट हो गए, मतलब क्या है आज़ादी से पहले ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया गया, तो एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। अब हो क्या इसमें है क्या इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में, देखो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है वो आज़ादी से पहले इसलिए बनाया गया था कि दो साइंटिस्ट थे या दो आप बोल सकते हो कि केमिस्ट थे, एक का नाम था सिमोन सेन और एक का नाम था मैकमोहन। ये एक्चुअली ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंडिया में साइंटिस्ट हैं उनको एक जगह कोलेबरेशन लाने के लिए आपस में आप बातचीत वगैरह कर सकें, एक तरह से प्लेटफॉर्म लाने के लिए इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है वो बनाया था ताकि डिफरेंट साइंटिस्ट हैं वो यहाँ आपस में मिलकर बातचीत कर सकें, जो भी नए समाधान वगैरह नई कमियाँ वगैरह हैं उनको दूर वगैरह सब करने के लिए यह स्टेप उठाया गया था। तो आज़ादी से पहले इसको बनाया गया था, काम जैसे हमने देखा कि ये टाइम टू टाइम मीटिंग वगैरह करते रहते हैं ताकि जो भी कुछ कमियां वगैरह उनको दूर वगैरह किया जा सके। तो यह सारा कंटेक्स्ट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, मणिपुर में इसको होस्ट है वो किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। जिस तरीके से नेशनल जो यूथ होते हैं सॉरी उनकी साइंस कांग्रेस होती है, उसी तरीके से चिल्ड्रंस की साइंस कांग्रेस है वो भी आयोजित की गई है NCSE के द्वारा। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है उसका जो 25वां अधिवेशन है वो गांधीनगर के गुजरात में आयोजित है वो किया गया है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसमें है कि एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो इंडियन साइंस कांग्रेस है वो तो एक्चुअली आजादी से पहले बनाई गई थी, बट इंडियन चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है वो 1993 में बनाई गई थी। बस ये चीज एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। मिनिस्ट्री कौन सी है यहाँ पे, मिनिस्ट्री है वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यह चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है यह इसलिए बनाई गई थी ताकि हमारे देश में जो यूथ है ना, जो बच्चे हैं मतलब 10 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ रुचि है वो बढ़ाई जा सके, इसके लिए इसका निर्माण है वो किया गया था। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, आजादी से पहले नहीं बनी थी ये चीज, बस ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अगला जो आर्टिकल आता है वो है क्रायोस्फीयर के बारे में। तो इस बार यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा था। क्रायोस्फीयर का मतलब ये होता है कि हमारी अर्थ का वो पार्ट जो कि फ्रोजन स्टेज है मतलब जमा हुआ है, जैसे कि अर्थ के अंदर जो पानी है वो बर्फ के अंदर जमा हुआ, कौन कौन से ग्लेशियर वाले एरिया में या फिर जो पोलर वाला एरिया है वहाँ पे क्या कि पानी बर्फ के रूप में ग्लेशियर में या फिर स्नो के फॉर्म में, तो जो पानी जमा हुआ है फ्रीज या फ्रीज की कंडीशन में उसको बोलते हैं क्रायोस्फीयर। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और जो क्रायोस्फीयर होता है इसका अहम रोल क्या होता है, इसका अहम रोल ये होता है कि यह हमारे जो अर्थ के क्लाइमेट होता है ना इसको रेगुलेट करती है और इसको शो भी करती है, इसका इंडिकेटर होता है एक तरीके से। अगर क्रायोस्फीयर जल्दी से खत्म हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा है। तो हीट और एनर्जी है उसके बजट को यह कंट्रोल करता है, इसके साथ अगर सी लेवल को भी मेंटेन करता है, क्योंकि अगर क्रायोस्फीयर का पार ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि पानी है वो स्टोर होता जा रहा है, जमता जा रहा है, तो ऑब्वियसली सी लेवल वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा और जो क्रायोस्फीयर है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। तो क्रायोस्फीयर का मतलब यह है कि फ्रोजन पार्ट ऑफ अर्थ सर्फेस, बस इतना सा आप समझ लेना तो आपका काम है वो चल जाएगा। नेक्स्ट है वो है प्रत्यूष के बारे में। प्रत्यूष है वो एक इंडिया के कंप्यूटर से इंडिया का सुपर कंप्यूटर, बस आप ये ध्यान रखना इंडिया का है सुपर कंप्यूटर है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। काम क्या है इसका, यह एक वेदर फोरकास्टिंग के लिए काम करेगा और यह वर्ल्ड का चौथा वेदर फोरकास्टिंग का
फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, मतलब वेदर की जो फोरकास्टिंग करते हैं ना वर्ल्ड के कंप्यूटर, उनमें चौथे नंबर पे आता है। ऑल ओवर चौथे में नहीं है, केवल वेदर की फोरकास्टिंग करने वाले कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर है, उनके चौथे नंबर पे आता है हमारा प्रत्युष कंप्यूटर। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए हो जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है SPARCS, स्पार्क के बारे में। तो यह एक मल्टी टेलीस्कोप है जो कि अर्थ की ऑर्बिट में लॉन्च है वो की जानी है, 2021 में इसको लॉन्च है वो किया जाएगा। तो बस आप नाम से समझ जाना स्पारेक्स क्या है। स्पारेक्स है वो एक तरीके से एक छोटी टेलीस्कोप है जो कि अर्थ की ऑर्बिट में लॉन्च है वो की जाएगी। तो उसकी वजह से जो अर्थ के ऑर्बिट है उसके अंदर जो छोटे छोटे स्टार्स वगैरह हैं उनकी स्टडी वगैरह के लिए कुछ पॉइंट्स है वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। बस आप नाम याद रखना कि यह किससे रिलेटेड है। यूपीएससी पूछ ले क्या कोई शिप वगैरह है या फिर यह कोई सबमरीन है टीसी वगैरह, तो वहाँ पे हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस कनाडा की स्पेस एजेंसी है, इन तीनों ने मिलकर बनाया है। और अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया, इसको 2019 में लॉन्च करने की बात है। और यह ऐसा कहा गया है कि वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावर टेलीस्कोप है यह, जो कि खगोल पिंड के बारे में स्टडी वगैरह करेगी। तो इसको प्रीमियर इंफ्रारेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखना जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, केवल नासा का नहीं है, नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस कनाडियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल है वो है सारेक्स 18 के बारे में। तो सारेक्स 18 है वो एक्चुअली इंडिया और जापान की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, सॉरी इंडिया और जापान की एक सर्च रेस्क्यू एक्सरसाइज है, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। अगर इंडिया और जापान के अंदर कोई भी तरीके से प्रलय वगैरह आता है, फिर कोई भी डिजास्टर वगैरह आता है, तो उससे निपटने के लिए, रेस्क्यू वगैरह के निपटने के लिए सारेक्स एक्सरसाइज है वो होस्ट की गई है। इसमें मेनली कोस्ट गार्ड है वो शामिल हुई है, और यह जो एक्सरसाइज है वो इंडिया के चेन्नई में इस बार होस्ट है वो की गई है। तो मतलब कोई भी डिजास्टर वगैरह आता है उस कंडीशन में कोस्टल एरिया में कैसे हमें अभियान वगैरह चलाने, उन सबसे संबंधित जो एक्सरसाइज है इंडिया और जापान की, उसका नाम है सार एक्स। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है विनबैक्स के बारे में। तो विनबैक्स एक्सरसाइज है वो एक्चुअली इंडिया और वियतनाम की पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में इस बार होस्ट है वो की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंस्पायर स्कीम। तो इंस्पायर स्कीम है वो ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में कन्वर्ट करने के लिए हमने अभी देखा था, वो इस इंस्पायर स्कीम है। इंस्पायर स्कीम का मतलब यह है कि इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, मतलब बात इसकी है कि इनोवेशन को प्रमोट करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो आगे लेके आनी है, सीधी सी बात यही है। इसमें यह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी 2008 में, ब्रेन गेन को प्रमोट करने के लिए, हमारे देश में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, कि भाई जो हमारे साइंटिस्ट हैं ना जो फॉरेन में रहने हैं उनको वापस इंडिया बुलाया जाए और वो इंडिया के लिए स्टडी वगैरह कर की जा सके, उन सब के लिए काम है। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो जो इंडिया का टैलेंट है ना उसको वापस अट्रैक्ट करने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट है वो किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल है वो आया है यहाँ पे CEPI के बारे में। तो क्या है CEPI? यह है कोएलिशन फॉर एपिडेमिक परसेप्शंस इनोवेशंस के बारे में। तो ये देख लेते हैं है क्या CEPI है। वो एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018 की जो देवोस में मीटिंग हुई थी, इस बार आप ये बताइए कि देवोस है कहाँ पे कमेंट बॉक्स में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई थी देवोस में उस दौरान इसको लॉन्च है वो किया गया था। अब एपिडेमिक का मतलब ये होता है कि महामारी, मतलब देखो जो बीमारी पूरे विश्व के लिए खतरा बन जाती है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी बीमारियां थी, जैसे कि कोई वैक्सीन वगैरह डेंगू वगैरह कोई ऐसी बीमारी होती है जो महामारी के रूप में बन जाती है, जैसे कि एक जो वायरस की वजह से अभी H1N1 स्वाइन फ्लू बना था कुछ टाइम पहले। तो उसी तरीके की जो बीमारियां होती हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बन जाती है, महामारी बन जाती है, उनको बोला जाता है एपिडेमिक। तो उन एपिडेमिक बीमारियों से निपटने के लिए ही क्या होगा, पब्लिक और प्राइवेट जो जो एक तरीके से कोएलिशन या जो समझौता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों अगर कंपनी एक साथ आ रही हैं तभी उस चीज़ से निपटा जा सकता है। अगर उसके बाद दोनों क्या होंगे, पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक तरह से वैक्सीन वगैरह बनाएंगी और इसी से निपटेंगे, तो उसके लिए ये CEPI है वो भी न्यूज़ में आया था। तो ये ध्यान रखना, एक तरीके का ये ग्लोबल अलायंस है गवर्नमेंट्स का, इसमें इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है वो भी शामिल है, UNWHO है वो भी इसमें शामिल है, और इसमें पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो भी शामिल है। और WHO क्या है, WHO UN की आपको पता है कि स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि हेल्थ के लिए काम है वो करती है। तो इसका काम यही है कि जो एपिडेमिक बीमारियां उनसे डील की जाएगी, बस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे लिए आ जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान इस चीज़ को यहाँ पे सामने वो लाया गया था, बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे इंक्लूड आप कर लेना, रिवाइज करोगे तो आपको सारा चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल आया है वो यहाँ पे वो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, नाम आप पढ़ लेना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बस ये देख लेना ये एक तरीके एक सुपर बग्स है। सुपर बग्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं।
सुपरबग्स का मतलब ये होता है कि देखो जब भी हम कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जो भी देखते से आप बोल सकते हो कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि बार उन जो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेते हैं। मतलब जैसे ये कोई बैक्टीरिया है और हम कोई मेडिसिन लेते हैं, बट होगा क्या कि ये बैक्टीरिया ने एक अपने आप कवर बना लेगा, इससे कवच बना लेगा कि भाई जो भी मेडिसिन ले रहे हैं इसका कोई असर ना पड़े इस पर। मतलब एक तरीके से पानी की तरह चिकना गड़ा हो जाएगा कि नहीं भाई इस दवाई का तो मेरे पे कोई असर ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे बैक्टीरिया है वो हो जाएगा सुपर बग्स, मतलब उस पे एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं उनका कोई असर नहीं होता है, तो उस चीज को बोलते हैं सुपर बग्स। मतलब वहाँ पे कोई भी आप दवाई वगैरह ले रहे हो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने खिलाफ म्यूटेशन वगैरह के लिए जो भी प्रोसीजर है वो कंट्रोल कर लिए है, अब उसको कोई भी एंटीबायोटिक का असर है वो नहीं होने वाला है। तो मेनली यह होती क्या है, यह तब होती है जब हम फालतू की जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो यूज करते हैं बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के, या फिर ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, तब ये से माहौल वो बन जाता है और सुपर बग्स बन जाते हैं। तो यूपीएससी सुपर बग्स के बारे में पूछ सकती है कि सुपर बग्स होते क्या हैं। तो बैक्टीरिया के खिलाफ जब रेजिस्टेंस बन जाता है हमारी बॉडी में, तो उस बैक्टीरिया को बोलते हैं सुपर बग्स, मतलब उसके ऊपर किसी दवाई वगैरह का असर ही वो नहीं होने वाला है, तो वो हो जाएगा सुपर बग। इसके बाद में अगला जो आर्टिकल है वो आया है SSR के बारे में, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। देखो जिस तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना CSR, कि भाई जो भी कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम करें, उसी तरीके से साइंटिस्ट होते हैं ना उनकी भी कुछ ना कुछ सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई वो सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा काम करें, मतलब सोसाइटी के लेवल के लिए काम करें। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो वो करते ही हैं, बट वो कुछ ऐसा काम करें जिससे वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसको भी कुछ फायदा हो, मतलब वो अपने इनोवेशन वगैरह को ऐसा इस तरीके से डाइवर्ट करें ताकि वहाँ जो सोसाइटी है उसको कोई ना कोई फायदा मिले, कोई इस तरीके की छोटी मोटी मशीन का आविष्कार करें, या फिर जो साइंटिफिक जो एक्सीलेंस है उसको प्रमोट करने के लिए साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका नाम यहाँ पे सामने आता है। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी है। इसके बाद में अगली जो न्यूज है वो आई है NGARA के बारे में, नागरी। तो यह एक्चुअली वर्ल्ड का हाईएस्ट एटीट्यूड ग्रेविटेशनल वेव टेलीस्कोप है जो कि चाइना ने तिब्बत में लगाने की बात है वो की है। तो नागरी आप समझ लेना, नगारी या अब नाम प्रोनाउंसेशन वो एक बार देख लेना, बस आपको बता दिया कि चाइना के अंदर एक्चुअली ये टेलीस्कोप है वो बनाया जा रहा है तिब्बत वाले एरिया में। काम क्या है इसका, इसका काम ये है कि जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी जो कि हमने ज्योग्राफी में काफी बार पढ़ी है उसको स्टडी किया जाएगा। बिग बैंग थ्योरी किस रिलेटेड है, बिग बैंग जो थ्योरी है वो एक्चुअली यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में स्टडी करने के लिए है। इसी के साथ ही है ग्रेविटेशनल वेव है उनकी स्टडी भी यह प्रोजेक्ट है वो करेगा, या ये टेलीस्कोप है वो करेगा। तो दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, नागरी जो प्रोजेक्ट है वो भी आप देख लेना कि नगारी जो प्रोजेक्ट है वो, या सॉरी नगारी जो टेलीस्कोप है वो चाइना ने तिब्बत में लगाया है, सबसे ऊंची हाइट के ऊपर ये टेलीस्कोप है वो लगाया गया है। इसके बाद में अगला जो आर्टिकल यहाँ पे आता है वो आता है नेग्यू डेजर्ट के बारे में। तो नेग्यू जो डेजर्ट है वो एक्चुअली इसराइल में है, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नेग्यू डेजर्ट कहाँ पे है, इसराइल में, सबसे पहली बात तो यही आती है। इसके बाद में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलाया गया था सोलर प्रोजेक्ट जिसका नाम है असहोलिम प्रोजेक्ट। तो ये असहोलिम जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली सोलर प्रोजेक्ट है, मतलब सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इसराइल ने चलाया है। बस आप डेजर्ट देख लेना कि नेग्यू डेजर्ट है वो एक्चुअली है कहाँ पे, इसराइल में। तो यूपीएससी मेज द फॉलोइंग में डेजर्ट के बारे में पूछ सकती है। इसके बाद में अगला हुआ है CERN। तो CERN क्या है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इंडिया CERN का एक मेंबर एसोसिएशन मेंबर है वो बना है, तो इसके बारे में हम दो चार पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। यह क्या, देखो यह यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है CERN, जिसने अभी काफी सारे रिसर्च वगैरह एक्सपेरिमेंट वगैरह किए थे कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे होता, वो सारी स्टडी CERN में की जा रही थी। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर एंड पर्टिकल जो एक तरह फिजिक्स लैब है, फिजिक्स लेबोरेटरी है वो है CERN। तो ये ज्यादा ध्यान रखना, इंडिया इसका भी एसोसिएट मेंबर है वो बनाए। तो यूपीएससी ये पूछ सकती है कि इंडिया भी रिसेंटली किसका एसोसिएट मेंबर वगैरह बनाया है, तो उसमें दो तीन ऑप्शन दे देगी। तो CERN है उसका इंडिया एसोसिएट मेंबर बनाया, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि साइंटिफिक कॉर्पोरेशन में इंडिया को फायदा होगा। और 2004 में इंडिया इसका ऑब्जर्वेटरी स्टेट भी था, मतलब 2004 में तो इंडिया इसका ऑब्जर्वेटरी स्टेट था और अभी इसका एक तरीके से इंडिया वो एसोसिएट मेंबर बन गया है। अब इसका एसोसिएट मेंबर बनने का फायदा इंडिया को ही हो जाएगा कि एक तो इंडिया तो साइंटिस्ट है ना वो इस प्रोजेक्ट में भाग ले सकेंगे, जिससे इंडिया के साइंटिस्ट को काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा, उनका टेक्निकल स्किल्स वगैरह वो इंप्रूव होंगी, इसके साथ ही उनकी मीटिंग वगैरह होंगी और इंडिया की जो कंपनीज हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे प्रोजेक्ट वगैरह में, तो उनको भी काफी ज्यादा फायदा वो होने वाला ऑल ओवर। तो मेन बात इसका काफी बेनिफिट हो जाएगा। तो यूपीएससी एक तो ऐसे पूछ सकती है कि CERN का इंडिया वो एसोसिएट मेंबर बना है रिसेंटली, या CERN का इंडिया ऑब्जर्वर स्टेट का मेंबर बना है, तो नहीं भाई अभी एसोसिएट मेंबर बना है इंडिया, ऑब्जर्वर स्टेट का मेंबर तो इंडिया 2004 से ही था। तो इस तरीके से यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकती है।
काम बताया मैंने आपको अभी कि तरह न्यूक्लियर के बारे में रिसर्च वगैरह करते हैं, जैसे जो भी प्रोजेक्ट वगैरह है, जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के द्वारा चलाए गए थे कि पहले भी काफी फिजिक्स के बारे में, तो सारे प्रोजेक्ट सीईआरएन के द्वारा यूरोप में है, वो किया गया। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में, टोटल इसके 22 मेंबर है, 4 इसके एसोसिएट मेंबर है और 7 इसके ऑब्जर्व स्टेट है। तो इंडिया पहले इसका ऑब्जर्व स्टेट था, बट अब इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, वो बन चुका है। तो ये सारा कंटेक्स्ट था, जो सारी न्यूज थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो कर लिए। फुल फॉर्म एक्चुअली आप देखना, मुझे मेरे को भी ध्यान नहीं है। तो ये थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।